हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी डॉक्टर आयशा मलिक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ आई डिस्कस द टॉपिक विच इज़ द वेंटिलेशन एंड डेड स्पेस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट और शेयर करें। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वेंटिलेशन। वट इज़ वेंटिलेशन? इन जनरल द वर्ड वेंटिलेशन रेफर टू द सर्कुलेशन ऑफ द एयर ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टॉल्स एयर विद द फ्रेश एयर इन द स्पेस इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। वेंटिलेशन इज द रेट एट विच द एयर एंटर और लीव द लंग्स। सिंपल वेंटिलेशन की डेफिनेशन ये है फिजियोलॉजी में कि एयर जो है वो मूव करती है इन और आउट ऑफ द लंग्स, उसका जो रेट है उसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं। इसके आगे टू टाइप्स है, पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड द एल्वोलर वेंटिलेशन। व्हाट इज पल्मोनर वेंटिलेशन? पल्मोनरी वेंटिलेशन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द एयर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो एयर मूव कर रही है उसका जो वॉल्यूम है उसको हम कहेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन। इन अ गिवन यूनिट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द क्वाइट ब्रीथिंग इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द, इसको हम जो है वो मिनट वेंटिलेशन और द रेस्पिरेटरी मिनट वेंटिलेशन RMV भी कहते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ये एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस है बाई विच द फ्रेश एयर एंटर द लंग्स। फ्रेश एयर एंटर होती है लंग्स के अंदर जो कि हमारे पास ऑक्सीजन है एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ द एयर लीव्स द लंग्स, और उतने वॉल्यूम उसके उतना ही वॉल्यूम जो है ना एयर का वो आउट होता है लंग्स से जो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब इसकी हम नॉर्मल वैल्यू बताएंगे कि नॉर्मल वैल्यू वेंटिलेशन पल्मोनरी वेंटिलेशन की क्या है। पल्मोनरी वेंटिलेशन की नॉर्मल वैल्यू को फाइंड करने के लिए सिंपल फार्मूला है कि हमने प्रोडक्ट देखना है टाइडल वॉल्यूम का एंड द रेट ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन। ये देखें उसका फार्मूला लिखा है, पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई रेस्पिरेटरी रेट। ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम मैंने अपने रीसेंट लेक्चर में बताया था कि 500 ml होती है और रेस्पिरेटरी पर मिनट जो है ना वो 12 per minute है और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 6000 ml per minute। अब एल्वोलर वेंटिलेशन, व्हाट इज एल्वोलर वेंटिलेशन? एल्वोलर वेंटिलेशन इज द अमाउंट ऑफ द एयर यूटिलाइज फॉर द गैसेज एक्सचेंज एवरी मिनट। अब जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती हैं उस जगह जो एयर यूज़ होती है उसकी जो अमाउंट होती है इसका एल्वोलर वेंटिलेशन होती है। गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाती है टिश्यूज़ में जो कि ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनकर रिलीज होती है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम एल्वोलर वेंटिलेशन कहते हैं। एल्वोलर वेंटिलेशन इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन से जो है ये डिफरेंट होती है। इन पल्मोनरी वेंटिलेशन 6 liter ऑफ द एयर मूव इन एंड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक एवरी मिनट, हर मिनट जरा मूव करती रहती है। बट मैन होल वॉल्यूम ऑफ एयर इज नॉट यूटिलाइज फॉर द गैसेज एक्सचेंज। वॉल्यूम ऑफ एयर सब्जेक्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज द एल्वोलर वेंटिलेशन। एयर ट्रैप्ड इन द रेस्पिरेटरी पासेज डेड स्पेस डज नॉट टेक पार्ट इन द गैसेज एक्सचेंज। वो यही बता रहे हैं कि हमारे पास गैसेज एक्सचेंज पल्मोनरी वेंटिलेशन में 6 liter एयर जो है ना वो मूव करती है इन एंड आउट ऑफ द ट्रैक हर मिनट में, और होल एयर जो है ना वो यूटिलाइज नहीं होती गैसेज एक्सचेंज में। और उसके बाद वो ये बात बता रहे हैं कि हमारे पास जो है वो डेड स्पेस इन्वॉल्व नहीं होती। मैं आपको डेड स्पेस का आगे डिटेल से अभी बताऊंगी। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका भी यही फॉर्मूला कि एल्वोलर वेंटिलेशन इज इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इनटू रेस्पिरेटरी रेट। अभी टाइडल वॉल्यूम मैंने पीछे भी आपको बताया 500 ml माइनस 150 ml हमारे पास डेड स्पेस जो कि फिक्स होती है, और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो मैंने पीछे फिर बताया 12, 14 या 13 per minute होती है। अब इसको जब हमने पहले इसमें से माइनस किया, जब मल्टीप्लाई किया तो 4200 ml आ गया, जिसको हम लीटर में अगर करें तो 4.2 liter per minute। अब डेड स्पेस मैंने आपको बताया था, मैं अभी आपको डिस्कस करूँगी। तो डेड स्पेस क्या होती है? डेड स्पेस इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक वेयर गैसेज एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस। जहाँ पे हमारे पास गैसेज एक्सचेंज नहीं होती उसको हम डेड स्पेस कहते हैं। जाहिर सी बात है जहाँ पे कोई काम ही नहीं होना, जिस जगह पे कोई काम ही नहीं उसको हम डेड ही कहना है। उसके बाद जैसे एयर प्रेशर इज द डेड स्पेस इन द डेड स्पेस एयर। एयर का जो प्रेशर होता है ना उसको हम डेड स्पेस के अंदर उसको हम डेड स्पेस एयर कहेंगे। उसके बाद इसकी भी अगर टू टाइप्स है, एनाटोमिकल और फिजियोलॉजिकल। एनाटोमिकल डेड स्पेस, एनाटोमिकल डेड स्पेस एक्सटेंड फ्रॉम नोज टू द टर्मिनल ब्रोंकाई। हमारे नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंकाई तक जो है ना ये सारा जो है वो एक्सटेंड करता है एनाटोमिकल डेड स्पेस। इट इंक्लूड में मैंने अभी बताया कि इसमें नोज आ जाता है, फेरेंक्स आ जाते हैं, ट्रेकिया आ जाता है, ब्रोंकाई, ब्रांच ऑफ द ब्रोंकाई एंड द टर्मिनल ब्रोंकाई। दीज ब्रांचेस सर्व ओनली एज अ पासेज ऑफ द एयर मूव एयर मूवमेंट। गैसेज एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस इन दिस स्ट्रक्चर। पहले भी बात बता दी कि गैसेज एक्सचेंज नहीं होती जो कि हमारे पास डेड स्पेस है। जाहिर सी बात
साथ डेड स्पेस के अगर टाइप्स हैं, यहाँ पे भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होंगे। आगे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, व्हाट इज फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इंक्लूड एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस टू एडिशनल वॉल्यूम। एनाटॉमिकल डेड स्पेस को जो है ना ये इसमें ऐड कर सकते हैं हम, लेकिन दो पॉइंट्स और, वो कौन से दो वॉल्यूम्स है? पहला ये कि एयर इन द एल्वोलाई, एल्वोलाई इन द एयर विच आर नॉन फंक्शनिंग, जिनका कोई काम नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। इन सम रेस्पिरेटरी डिजीज, कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज में एल्वोलाई डज नॉट फंक्शन, वो फंक्शन नहीं करते बिकॉज ऑफ द डिसफंक्शन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वोलर मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात है, जब मेम्ब्रेन जो है हमारे पास डैमेज हो गई तो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीज जो है ना वो बन जाएगी और कोई वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। अब नेक्स्ट आ जाता है एयर इन द एल्वोलाई। अब जब एयर एल्वोलाई में होगी विच डज नॉट रिसीव एडिक्वेट ब्लड फ्लो, अब वो रिसीव नहीं कर रही एक मदद मकदार में जिसको चाहिए, उसमें जो है ना वो ब्लड को रिसीव नहीं कर रही। गैसेज एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग इन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, गैसेज एक्सचेंज नहीं होती जब तक हमारे पास इन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई ना हो। दीज टू एडिशनल वॉल्यूम्स आर जनरली कंसिडर एज अ वेस्टेज वेंटिलेशन, इसको हम वेस्ट चीज़ कह सकते हैं। वेस्ट वेंटिलेशन एंड द वेस्टेड एयर में क्या फ़र्क है? वेस्टेड वेंटिलेशन इज द वॉल्यूम ऑफ द दैट वेंटिलेट्स फिजियोलॉजिकली डेड स्पेस। वेस्टेड वेंटिलेशन हमारे पास एयर का वॉल्यूम है जो कि वेंटिलेट करता है हमारे पास फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस मैंने अभी आपको बताई है पीछे कि इसमें जो है ना एनाटोमिकल डेड स्पेस आएगी और दो पॉइंट्स आएंगे, एयर इन एल्वोलाई और एयर विदाउट एयर इन द एल्वोलाई और एयर इन द नॉट एल्वोलाई। अब इसके बाद आ जाते हैं वेस्टेड एयर रेफर टू द एयर दैट इज नॉट यूटिलाइज फॉर गैसेज एक्सचेंज, डेड स्पेस इज अ जनरली कंसिडर एज द, अब डेड स्पेस हमारे मैंने पहले भी बता दिया कि हमारे पास कंसिडर की जाती है वेस्टेड वेंटिलेशन, वेस्ट एयर हम उसको कंसिडर करते हैं। अगर नॉर्मल वैल्यू डेड स्पेस की आप सिर्फ सिंपल इतना याद कर सकते हैं कि 150 ml, इसका इतना ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। आगे आ जाती है इसके मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स ऑफ द डेड स्पेस, नाइट्रोजन वॉश आउट मैथड, इसको नाइट्रोजन वॉश आउट मैथड भी कहते हैं। डेड स्पेस इज मेजर्ड बाय सिंगल ब्रीथ, सिंगल एक सांस लेने से हम जो है ना वो डेड स्पेस को मेजर कर सकते हैं नाइट्रोजन वॉश आउट मेथड से। दिस सब्जेक्ट रिस्पायर नॉर्मली फॉर फ्यू मिनट के लिए वो नॉर्मली रिस्पायर करेगा, देन ही टेक अ सडन इनहेलेशन ऑफ द प्योर ऑक्सीजन, लेकिन उसको हम सडन जो है ना प्योर ऑक्सीजन जो है ना वो इनहेलेट कराएंगे कि आप इसे इनहेल करें। ऑक्सीजन रिप्लेस द एयर इन द, ऑक्सीजन अब रिप्लेस होगी एयर में इन डेड स्पेस, डेड स्पेस के अंदर डेट इज अ डेड स्पेस, एयर कॉन्टेंट only oxygen and it push out the other gases into the alveoli. अब alveoli के अंदर जो है ना वो प्योर गैस जो है ना सिर्फ ऑक्सीजन गैस वो एंटर होगी। नाउ द सब्जेक्ट एक्सेल थ्रू द नाइट्रोजन मैटर, लेकिन जब वो सब्जेक्ट एक्सेल करेगा निकालेगा तो नाइट्रोजन भी इसके अंदर होगी। नाइट्रोजन मैटर हाउ शोज दिस कंसेंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन एक्सपायर्ड एयर कंटिन्यूसली, वो नाइट्रोजन के कंसेंट्रेशन को एक्सपायर करेगा कंटिन्यूसली। अब आगे क्या कहते हैं कि फर्स्ट पोर्शन ऑफ एयर पार्ट कम फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ द एयर पैसेज विच कंटेन्स ओनली ऑक्सीजन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द एक्सपायर्ड एयर कम फ्रॉम द एल्वोलाई, नेक्स्ट पोर्शन जो कि एक्सपायर एयर करेगा वो कहाँ से आएगा? वो हमारे पास एल्वोलाई के पास आएगा विच कंटेन्स नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी। हम सिंपल जो एयर अपने जो है वो लेके जाते हैं अंदर, उसमें 21% जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन होती है, बाकी आई थिंक 79 इस तरह के जो है इसके राउंड अबाउट जो है हमारे पास नाइट्रोजन अंदर मूव करती है। उसके बाद जैसे द ग्राफ हैज़ टू, अब इसके ग्राफ के जो है ना उन्होंने शो किया हुआ है और डेड स्पेस का उन्होंने फॉर्मूला बताया, एयर विदाउट नाइट्रोजन, एयर विद नाइट्रोजन प्लस एयर विदाउट नाइट्रोजन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द एक्सपायर्ड एयर, जो उन्होंने बाहर निकाली एक्सहेल की हुई है। अब ये देखें इसका ये उन्होंने बताया हुआ है एक फ्लो चार्ट, यहाँ पे उन्होंने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन रखी है, यहाँ पे एक्सपायर्ड एयर जो कि मिलीलीटर में। अब ये सिंपल एयर आ रही है, जैसे वो यहाँ पे आई है वो उसने अपनी नाइट्रोजन की जो है ना वो कंसंट्रेशन इंक्रीज की है और 60 तक लेके गई है। एयर विद नाइट्रोजन, एयर विदाउट नाइट्रोजन और इंस्पायरेशन ऑफ द प्योर, यहाँ तक उसने उस पर्सन ने प्योर जो है ना वो ऑक्सीजन एक्सपायर किया, प्योर ऑक्सीजन, लेकिन जब वो एक्सहेल कर रहा है तो वो नाइट्रोजन भी बाहर निकाल रहा है। सिंपल के हमारे अंदर जो है वो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद एयर विद नाइट्रोजन 70, एयर विद नाइट्रोजन और एयर विदाउट नाइट्रोजन ये 30, इनका मिला के 100 मिल जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ द एयर एक्सपायर्ड जो हमने बाहर निकाली वो 500 ml है। डेड स्पेस की मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो आएगा एयर विदाउट नाइट्रोजन, एयर विद नाइट्रोजन प्लस एयर विदाउट नाइट्रोजन मल्टीप्लाई एक्सपायर्ड एयर, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 150 ml। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी
हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।